लगा दो फोड़ के आगे लो बाबू और के ले लो कल से टेन के लेके आना है एक एक पेन 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 रोलिंग जल्दी कर गुड्डू जी वहां से ले रहा है देखते रहिए सब लोग देख रहे हैं सब लोग माता गंगा को प्रणाम करिए देखिए ये बोल रहे हैं देखिए फिर माता गंगा को प्रणाम करिए पैन फिर वापस ऊपर से आ जाना वहीं पे और देखिए अभी आगे बढ़िए आप लोग आगे बढ़िए ये गिरी लोग रुकिए देखिए उसको गिरी हाँ देखिए ठीक करिए ये बोलते हैं देखिए इधर सही जगह पे गिरी है आप यहाँ स्नान कर लो ये बोलते अरे नहीं बोलता ठीक है ये देखो आगे के चली गए स्नान करने देखिए वो बोलता है ये है बाण गंगा सब लोग नीचे देखिए देखिए ये बाण गंगा ये मान्यता है कि यहाँ स्नान देखो यार पीछे एक पेन कर देना उनपे मोनिका और कांता पे देखो यार प्रणाम करना देखिए फिर वापस पेन करके वहीं आना ढोल वाले पे ये देखिए अभी बोलते चलो आगे बढ़ते हैं एक कदम बढ़िया है और वो गिरी लोग देखिए ये क्या अभी देखो आप यहाँ देखो अरे ये क्या समझ गए ऊपर आपके आई लेवल पे देखो आई लेवल पे खड़ी हो गई आप सीखो बोलो कोई बात नहीं है आपके कपड़े सही जगह पर गंदे हुए हैं ये बाण गंगा है आप यहाँ पर स्नान कर लीजिए यहाँ स्नान करके जाने से बहुत पुण्य मिलता है हम भी सब यहाँ पर दर्शन करके यहाँ पे स्नान करके ही जाएंगे ऐसा माना जाता है कि बाण गंगा में स्नान करके ही माता के दर्शन किए जाते हैं ओके कट आ जा दोनों चीज लेके चलो एक मॉनिटर मिला जिसका ये
हाँ तो ऑडियंस नो दिस कि ये साथिया है, साथिया में कौन कैरेक्टर है सारे ऑडियंस जानते हैं. मतलब द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस बीन लाइक 3 इयर्स द फर्स्ट टाइम सपोज आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि ना फर्स्ट टाइम समवन इज आस्किंग कि क्या इंट्रोडक्शन दो. सर्विस ऐसे ही करते आज जिसके आप सब जानते हैं देख ही रहे हैं हमारे शो में क्या चल रहा है. तो माँ जी जिसकी वैष्णो देवी आ चुकी हैं, मैं भी उनके साथ वैष्णो देवी पहुँच चुकी हूँ और आज हम वही शूट कर रहे हैं कि गंगा स्नान होता है बाण गंगा. तो वहाँ पे हम डुबकी लगाने वाले हैं गंगा में एंड माँ जी को मतलब याद भी नहीं है कि मैं कौन हूँ. इवन वो गोपी को भी नहीं पहचानती अभी. सो बस उनका साथ दे रही हूँ मैं कि वो और ना भटक जाए. बस इसी आस में माँ के द्वार जा रही हूँ कि मेरी माँ जी को जल्द से जल्द ठीक कर दे. उनको क्या मतलब क्या प्रॉब्लम उनकी याददाश्त चली एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी और धीरे धीरे दवाई सही ना मिलने के कारण अच्छे से ट्रीटमेंट ना होने के कारण उनकी हालत में सुधार नहीं आ पाई और ज़्यादा ख़राब हो गई. और उसमें से जैसे कि मेरी बहन है राधा तो उसने भी बहुत सारे कारनामे कर दिए, दवाई मिक्स कर दी, एक्सचेंज कर दिया दवाई. तो उसके कारण मेरी माँ जी अभी तक ठीक नहीं हो पाई और हालत इतनी बिगड़ गई कि वो धीरे धीरे अभी सब कुछ भूलती जा रही है. और कौन कौन साथ में आए आपके माँ के साथ में? फिलहाल सिर्फ मैं और माँ जी ही हैं और मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया तो इसके लिए मैं घर से भी किसी के साथ संपर्क नहीं बना पा रही हूँ. बट आई एम ट्राइंग कि जल्द से जल्द अहम जी या तो फिर घर वाले जो भी हैं वहाँ पे सबके साथ कांटेक्ट हो जाए और कोई ना कोई यहाँ आ जाए हमें लेके जाए. कोई इससे पर्टिकुलर सीन से कोई ट्विस्ट आने वाला है शो में? ऑब्वियसली साथिया इज़ फॉर ट्विस्ट एंड टर्न्स. हर हफ्ते यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं एंड डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है. आई थिंक ऑडियंस इतने दिनों से जिस चीज़ की शायद इंतज़ार कर रही है शायद वैसा ही कुछ आए. बट उसके लिए आपको देखना होगा साथ निभाना साथिया 7 बजे मंडे टू सैटरडे. थैंक यू. दर्शक जानते हैं साथिया के दर्शक कि कोकिला अपना घर और परिवार छोड़कर निकल चुकी है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जान पर खतरा है और कहीं ना कहीं परिवार वाले भी उसकी पीठ के पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं. तो वो माँ के घर जाना निकली है और माँ के घर जाने के लिए निकली हुई है और उसी के बाद उसकी ये यात्रा आरम्भ हुई है. अब ये देखना है कि वो माँ के घर यानी अपनी माँ के घर या सभी की जो माँ है उनके घर पहुँचती है. और कहीं ना कहीं कोकी घर छोड़कर चल पड़ी है, परिवार वाले चिंतित है. तो मुझे ढूंढने के लिए मेरी जो बहू है गोपी वो भी पीछे पीछे आ रही है. तो हम वही अभी शूट कर रहे हैं कि हम माता के दर्शन के लिए निकले हुए हैं और मैं परेशान सी अकेली जा रही हूँ और कहीं ना कहीं मेरी गोपी बहू को मेरी चिंता है तो वो मेरे साथ चल रही है. पर चूंकि मेरी याद शक्ति खो चुकी है तो मैं उसे पहचान नहीं पा रही हूँ. जैसे मंदिर के द्वार पे पहुंचते शायद आप गिर जाती हैं और आपकी बहू आपको संभालती है तो क्या जी ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमज़ोर होती जा रही है कोकी. और उसे ये मानसिक कमज़ोरी इसलिए भी आई है क्योंकि वो ये
झेल नहीं पाई कि उसके अपने परिवार के सदस्य उसकी जान पर आ बने हैं और उसको जान से मारना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब किसी इंसान को ये पता चलता है कि उसके परिवार वाले ही या उनका अपना परिवार जानी दुश्मन हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो मानसिक रूप से वो इंसान कमज़ोर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक कमज़ोरी है और उसी की वजह से कोकी बार बार गिर रही है। लेकिन गोपी कोकी की मानसिक समस्या को अच्छी तरह से समझ रही है और वो उसे हर पल सहारा देती है। तो यही तो संबंध होता है सास बहू का, माँ और बेटी के समान होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत एक खूबसूरत सा ट्रैक चल रहा है जहाँ पर सास और बहू किस तरह से माँ और बेटी बन रहे हैं ये दर्शाया जा रहा है। आइए लंबे लोग इनके पीछे आइएगा। अभी प्रणाम करने से आ गया रोने। एक्शन, प्रणाम करिए। जय माता दी। फिर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, फिर से बोलो, जय माता दी। चार से कहा गया मोनिका धर्मघर लेके जा रहा हूँ बना वाला सर पे माता जी का पट्टी। हाँ ओके, बना वाला धर्मघर जल्दी में भाग के रोने। हाँ सीधा से जमा रहा हूँ रोने। हाँ लुक एक्स गोपी लुक चीट करिएगा लुक रोलिंग एक्शन बोल रहा है। आते जाइए, आते जाइए, चलते जाइए, आते जाइए। जय माता दी। चार चार से बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। ओके सर डायलॉग। हां जो समझ आपकी इधर आइए। चलिए 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 बोलेंगे सर। हाँ थोड़ा पीछे दो कदम पीछे चलिए, चालू हो जाइए। एक्शन ओके, चार कदम फिर पीछे सर। एक्शन
है।